श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 20। अहम् आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहम् आदिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है। चूँकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा हैं। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ प्रारंभ होता है। अतः वे प्रधान महत्तत्व की आत्मा हैं। इस सृष्टि का कारण महत्तत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्तत्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा हैं। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृत्यादि सर्वभूतांतर्यामी सर्वेशेषि च नारायणः। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान हैं। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सातवत तंत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। विष्णोस्तु त्रिणी रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः। भगवान इस लोक में अपने तीन स्वरूपों को प्रकट करते हैं, कारणो दक्षाय विष्णु, गर्भो दक्षाय विष्णु तथा शीरो दक्षाय विष्णु। ब्रह्म संहिता में महाविष्णु या कारणो दक्षाय विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारणारव जले भजत स्म योग निद्रां। सर्व कारण कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणारणव में शयन करते हैं। अतः भगवान इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान हैं। हरे कृष्ण।